मेरा नाम अयूब मलिक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज जो वर्कर दबे हुए थे कोई 5-7 साल से 10 साल से, आज वो खुशी से बाहर आए हैं, निकले हैं बाहर, क्योंकि अब जो आवाज़ वो वर्करों की आवाज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो वर्करों की आवाज़ बनने जा रही है। तो इसीलिए ये लहर बहर जो आज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसी चीज़ का सबूत है, नमूना है, क्योंकि फारूक साहब और उमर साहब रतनलाल गुप्ता जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज यहाँ से कार्रवाई ये शुरू हो रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए, एकता भाईचारे के लिए आज हमने यहाँ से ऐलान किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जम्मू में हैं भाई भाई, क्योंकि इन लोगों ने जो कम्युनल लोग हैं उनके खिलाफ आज ये यूथ सारा आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि जम्मू में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा जो है वो ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ये गुलदस्ता है। अगर कुछ लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, जम्मू 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 की बातें करते हैं, अगर वो जम्मू की बात करते वो किसी पार्टी में नहीं जाते, वो जम्मू की ही एक पार्टी खड़ी करते सारे नेतों को लेकर। यहाँ जो भी जा रहा है, किसी ने अपनी ज़मीन बचानी है, किसी ने कब्रिस्तान बेचे हैं, यहाँ भवक्ती नगर में कब्रिस्तान किसी ने बेचे हैं, किसी ने भवक्ती नगर में एफिडेविट पे जेडीए की ज़मीनें बेची हैं, ये वही लोग यहाँ पार्टी से भाग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर आज तक ना कोई गया है तो ना कोई जाएगा, ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर की ये आवाज़ है। आज जम्मू के अंदर जेएंडके नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस की तरफ से हमारे बहुत सारे नेता जो आज तक जम्मू कश्मीर में जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक झंडा लेके आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते भी रहेंगे, आज अयूब मलिक जी अपने हज़ारों वर्करों के साथ और हमारे बहुत सारे लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत रखते थे, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापिस आके एक नई दिशा देने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसा कि फारूक साहब ने कल बोला कि जम्मू के अंदर एक आवाज़ बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो पूरे जम्मू कश्मीर को एकजुट करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा तीनों खितों की बात करती आई है और हम शेख साहब के बताए हुए रास्तों से, फारूक साहब की डायरेक्शन से और हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं एट प्रेजेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऐसी लहर पैदा करने जा रहे हैं जो आज मजहबी तौर पे देश के अंदर हालात ख़राब किए जा रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम किराया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम ख़त्म करने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक ही नारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। हम आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जिसका वर्कर आपको लखनपुर से लेकर लेह लद्दाख तक मिलेगा, क्योंकि लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो एक भाईचारे की आइडियोलॉजी है। हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा किए जा रहे हैं सेंटर की तरफ से, माफ़ करना, यूटी स्टेट बनती जाती हैं, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, स्टेट को तोड़कर यूटियाँ बनाई जा रही हैं। आज हम ज़्यादा ना कहते हुए ये जो हमारे आपको आपको बरकत दिखाई दे रहे हैं लाखों की तादाद में, ये हमारे अयूब साहब हैं, ये हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी क़यादत में ये आज सारे लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ, उमर साहब का हाथ और फारूक साहब का हाथ मजबूत करने की